सबसे पहले सुनते हैं सुर्खियां। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय के 90% से अधिक छात्र छात्राओं ने प्राप्त की सफलता, मंत्री चंपई सोरेन ने दी बधाई। झारखंड वनोपज नियमावली अंतर्गत अपने मौजा के वनों से जलावन या घरेलू कार्य हेतु लकड़ी लाने पर ग्रामीणों को अनुज्ञा पत्र लेने से मिली छूट, वन विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा फल 2020 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें आपको, विभाग द्वारा संचालित कुल 59 आवासीय उच्च विद्यालयों में से झारखंड बोर्ड अंतर्गत संचालित 54 आवासीय उच्च विद्यालयों के 1660 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 90% से अधिक छात्र छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने बधाई देते हुए कहा कि हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है। उन्होंने शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को भी उनकी तत्परता और शिक्षण के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। वन विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस को संबोधित किया और जानकारी दी कि झारखंड में ज्यादातर वन भूमि ग्रामीण मौजा में है। ऐसे में राज्य सरकार ने झारखंड वनोपज नियमावली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने ग्रामीण मौजा में पड़ने वाले वनों से जलावन या घर की मरम्मत जैसे निजी कार्यों में उपयोग हेतु लकड़ी लाने में अनुज्ञा पत्र लेने से छूट दी। उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जून माह में ट्रांजिट रूल लाया था, जिसके तहत झारखंड वनोपज नियमावली 2020 अधिसंचित की गई है, जिसमें जलावन लकड़ी के लिए 25 रुपए घन मीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाता था, जो अब नहीं देना होगा। सलोनी ने जिले का नाम रोशन किया है और अभी बैठने के पहले मैडम कह रही थी आपके स्कूल के एक शख्स का नाम आपके नाम से रहेगा। मैडम का घोषणा था जस्ट इसके पहले आपके विद्यालय के एक शख्स का नाम सलोनी कक्ष रहेगा, ताकि भविष्य के भी बच्चों को आप प्रेरित करते रहे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।